गाल हले पई नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने जो उम्मीदवार पारा जो समूरो सिलसिलो हुयो वो स्मूथ रहो या न छो तो अस मुख्तलिफ डो वक्त डिठो से पीटीआई पारा तमाम घणी शिकायतों इंदू रही उन असो डिस्कशन हले पे अमदाद साहब तुम प्लीज इन गाल पाया उनके पूरो कजो जी बिल्कुल लला मुझे गुजारिश कई पे तो एकड़े पास यह शिकायत है एकड़े पास कुछ वावेल है तो तहरीक इंसाफ जे उम्मीदवार हुआ ओरिजिनल उम्मीदवार उ कुछ रूपोश हैं कुछ गिरफ्तार हैं पर जिन कागजात नामजदगी जमा कराने की कोशिश कई अड़ी वीडियोज भी आयु उन्होंने रोकण की कोशिश कई पे भई ये मैं ऐसो परवेज लाई की घरवारी जो मामलो है वो तो सरेआम अची वो शूं कुछ बी भी अड़ी वीडियोज आयु या हमाद अजहर जहां जी कागजात नाम कागजात नामजदगी जमा कराने उनके वकील व्या पे उन्होंने भी रोको वो हो शिकायत से इलेक्शन कमीशन जो अमलों बाहर आयो वही पा उनके वी उन कागज देखें वे जमा थे सो शिकायत भी जो बुनियाद है वावेला जो तहरीक इंसाफ जहां वावेला कर बुनियाद जरूर है इन किस्म की शिकायत इलेक्शन कमीशन भी उन्होंने नोटिस वरतो है इवन सुप्रीम कोर्ट भी चाहिए है रियलिटी में हो भी सही तो इमदाद साहब तुम समझो पाया तो 2024 में जी इलेक्शन थियण वन पाया ये 2018 के इलेक्शन का कुछ मुख्तलिफ हूं मुख्तलिफ न पा लगन सिर्फ चेहरा बदलिया किरदार चेंज था सूरत हाल है अब अस 24 दिसंबर है इलेक्शन थी 8 फरवरी से मैदान जो सूबे में लगो है वह है पंजाब तकरीबन क्लियर है खैबर पख्तूनख्वा जो है उतने कंफ्यूजन है पंजाब में असल फैसलो है सदाई पाकिस्तान की वर्कर्स की हुकूमत जो पंजाब में वहां के अना ती पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर न पी अचे जलसा नजर न पा अचन एक पॉलिटिकल पार्टी है जहरा जी न पी कर सके वो कोशिश कन पाया तो उन्हें जलसा न पा थी एक्टिविटी न पा कर।